हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। हियर वी विल डिस्कस द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर आयुर्वेदा, दैट इज कॉल्ड एज बिरुद्वार। ओके, तो एज यू नो दैट इन आवर डेली लाइफ वी आर फॉलोइंग और वी आर डिस्टर्बिंग आवर बॉडी बाय विरुद्धा। ओके, बाय विरुद्ध आहार, बाय कंज्यूमिंग द अनवॉन्टेड मटेरियल, बाय कंज्यूमिंग द अनवॉन्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। ओके, दैट इज कॉल्ड एज विरुद्ध आहार। ओके, तो वॉट इज दैट, हाउ इट क्लासीफाई बाय आवर आयुर्वेदा, उसको आयुर्वेद के अंदर किस वे में क्लासीफाई किया गया है, कैसे वो विरुद्ध बना। ओके, तो दैट वी विल डिस्कस हियर। तो एज यू नो दैट देर इज अ नंबर ऑफ विरुद्ध आहार इज एक्सप्लेन बाय आवर आचार्य चरक। तो देर आर टोटल 18 वेराइटीज ऑन विच वी कैन एक्सप्लेन, वी कैन सेग्रीगेट दैट, वी कैन सेपरेट दैट 18 टाइप ऑफ विरुद्ध, 18 टाइप ऑफ नॉट सुटेबल फूड विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ विरुद्ध आहार। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्लोक हम देखेंगे कि पहले आयुर्वेद में किस तरह विरुद्ध आहार का डेफिनेशन किया गया। ओके, तो विरुद्ध आहार को डिफाइन करने का वे यहाँ पे इस प्रकार है कि यत किंचित दोष उत्क्लेश्य न निरहति कायतः। ओके, तो जो दोषों को बढ़ाता है, जो दोषों को उत्क्लेशित करता है, उत्क्लेशित मतलब लालच देता है मतलब उसको क्या करता है, बढ़ाता है मीन्स दैट इज कॉल्ड एज उसके फंक्शन को हैम्पर करता है। तो दोष की जो विकृति होती है, तो दोष ऑलरेडी पहले प्राकृत अवस्था में जब वो फ्लो होता है किसी भी स्रोत में, किसी भी चैनल में, तो वो क्या करता है, एक प्रॉपर अपनी फंक्शन वहाँ पे प्ले करता है। ओके, तो लेकिन अगर वो विकृत कंडीशन में आ गया, और विकृत कंडीशन के साथ साथ विकृत कंडीशन में दो एक तरीके की विकृति होती है, सच एज दोषों के क्षय हो गए या फिर दोषों की वृद्धि हो गए। तो दोषों की अगर वृद्धि हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्क्लेशन बोलते हैं। ओके, तो विरुद्ध आहार जो होते हैं दोषों को बढ़ा देते हैं, बॉडी के अंदर बढ़ा देते हैं। तो ये जो किंती जो दोष है उत्क्लेश्य न निरहति कायतः। ओके, और बॉडी से उसको बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। आहार जातम तत सर्वम अहिताय आप उपद देते हैं। ओके, आहार जातम तत सर्वम अहिताय उपद देते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो आहार दोषों को बढ़ाते हैं और बॉडी से नहीं निकलने देते हैं, उन सभी आहारों को हम क्या बोलते हैं, अहिताय। ओके, उन सभी आहारों को हमें नहीं लेना चाहिए, वो सभी आहार हमारे लिए अहितकर होते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक लिखा हुआ है कि विरुद्धम अपि च आहारम विद्यात विषम गर उपमम। ओके, गर उपमम मतलब विरुद्धम अपि च आहारम विद्यात विषम गर उपमम, मतलब ये रहता है कि जो विरुद्ध आहार हम ले रहे हैं अपने डेली लाइफ में, उन सभी जो अनवांटेड जो कॉम्बिनेशन है, अनवांटेड जो फूड हम लेते हैं अपने लाइफ में, वो सभी क्या होता है, गर्विष की तरह रहते हैं। गर्विष एक ऐसा विष होता है, हम अल्टीमेटली अपने बॉडी में वहाँ पे पॉइजन को डालते हैं बॉडी में। तो ऐसा बोला जाता है कि जो आहार जिन आहारों को विरुद्ध आहार बोला गया है, तो किन आहारों को बोला गया है हम फर्दर स्लाइड में देखते हैं उनका वे ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरह है, कि किन आहारों को विरुद्ध बोल रहे हैं, किन आहारों को आयुर्वेद गलत बोल रहा है। ओके, किन आहारों को वो अपने बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं बोल रहा है। ओके, तो अगर उन बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल फूड्स को अगर हम लेते हैं, तो वो जो बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल जो फूड है, नॉन अनवांटेड जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, नॉन अनवांटेड फूड है, वो बॉडी में गर्विष की तरह रहते हैं। मतलब बॉडी में हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अपने ही बॉडी में एक पॉइजन डाल रहे हैं, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, गर्विष बोलते हैं। ओके, तो एक पॉइजन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, विरुद्ध आहार बोलते हैं। तो विरुद्धम अपि च आहारम विद्यात विषम च गर उपमम। ओके, तो विरुद्ध आहार इज लाइक अ गर्विष, सो बाय टेकिंग विरुद्ध आहार यू आर डेवलपिंग और वी आर डेवलपिंग अ काइंड ऑफ विष इन आवर बॉडी विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनिमल्स, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। ओके, तो हम वे ऑफ क्लासिफिकेशन चरक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, तो देयर आर नंबर ऑफ विरुद्ध आहार इज एक्सप्लेन बाय आवर बृहत्तरी, दैट इज इन चरक सुश्रुत और वाग्भट्ट, बट वी विल डिस्कस द मेन बिकॉज द चरक अस टू चिकित्सते, बिकॉज इन ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू चरक इज इन बेस्ट। ओके, चरक इज द बेस्ट। सो देर आर 18 टाइप ऑफ विरुद्ध आहार एक्सप्लेन बाय आवर चरक। तो फर्स्ट विरुद्ध आहार इज कॉल्ड द देश विरुद्ध। ओके, तो यू कैन रीड इट। ओके, तो नॉट बुद्ध काले विरुद्ध, वी विल रीड द फर्स्ट देश विरुद्ध। ओके, तो फर्स्ट विरुद्ध आहार इज कॉल्ड द देश विरुद्ध। एज यू ऑल नो दैट द आयुर्वेद डिफाइन दैट वी हैव द थ्री देश, वी हैव थ्री रीजन ऑफ लोकेशन, सच एज आवर साधारण देश, अनूप देश और जंगल देश। ओके,
तो जैसे कि तीन टाइप के देश हमारे बताए गए हैं, जंगल देश, अनूप देश और साधारण देश। जंगल देश एक ऐसा लोकेशन है, एक ऐसा रीजन है हमारे इंडिया का, जहाँ पे जो उत्तरी यानी कि जो नॉर्थ साइड के जितने भी पार्ट्स आते हैं, जितने भी वहाँ पे लोकेटेड रीजन आते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, अपना उत्तराखंड, अपना पंजाब, हरियाणा, ओके, वहाँ पे जो राजस्थान, ये सभी जो लोकेलिटी, ये सभी जो क्षेत्र के अंदर जो आते हैं उनको हम जंगम देश बोलते हैं। वहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अपना जो उष्ण यानी कि जो वहाँ पे जो धूप की जो कंडीशन होती है, जो समर का जो वेकेशन होता है वो बहुत ही हाई ग्रेड का रहता है। मतलब वहाँ पे गर्मी बहुत बहुत तेज़ी से होती है, वहाँ पे बारिश कम होती है, ओके। तो इन सभी कारणों से जो वहाँ पर जो जो फूड होता है, जो वहाँ पे जो ऋतु जो डेवलप होती है, तो उसमें रुक्ष उष्णता ऐसे भी ज़्यादा रहती है। तो अगर उन देशों में, उन जंगम देशों में हम अगर रुक्ष आहार खाएंगे, उष्ण आहार खाएंगे, ओके, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उष्णता बढ़ी हुई है, उष्ण रीज़न है, समर सीज़न, नॉट समर सीज़न, वहाँ पे कहने का मतलब है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ओके। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो सन की जो रेज होती है वो बहुत ही हाई ग्रेड की वहाँ पे वो एक्सपोज करता है, यानी कि वहाँ पे उष्ण गुण वहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर वहाँ पे हम उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार ये सब खाएंगे तो वो क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए सुचेबल नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो देश के लिए वो, मतलब इट इज़ गुड फॉर, इट इज़ नॉट विरुद्ध, इट इज़ नॉट अपोजिट विद अवर देश, बट इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, इट इज़ नॉट सुचेबल फॉर आवर बॉडी, ओके। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि दैट इज़ नॉट, बट इट एक्ट एज अ विरुद्ध टू आवर बॉडी, नॉट विद देश, ओके। तो देशों के अकॉर्डिंग ये विरुद्ध नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी के लिए विरुद्ध है, हमें नहीं लेना चाहिए। इसी मैनर में अगर अनूप देश की बात करेंगे तो अनूप देश में क्या होता है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, धूप कम रहते हैं, तो ड्यू टू दैट वहाँ पे जो फूड हमारे पास जो यहाँ पे जो ग्रो होती है, ओके, जो सीज़न में जो फूड जो ग्रो होता है, जो वेजिटेबल्स जो ग्रो होते हैं अनूप देश में, सच एस महाराष्ट्र, सच एस आवर MP, ओके, तो ये सभी अनूप देश के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें जो फूड जो ग्रो होते हैं, इनमें जो वेजिटेबल जो ग्रो होते हैं, उसमें स्निग्धता रहती है, उसमें गुरु होते हैं सब, ओके। तो इन सभी आहारों को हमें इस देश में नहीं लेना चाहिए, हमें इस देश में उष्ण आहार लेना चाहिए, रुक्ष आहार लेना चाहिए, तीक्ष्ण आहार लेना चाहिए, ओके। तो कहने का मतलब यह है कि देश था हमारा अनूप देश, जहाँ पे स्निग्ध और गुरु ये सभी गुण बढ़े हुए थे, लेकिन हमने इनके अपोजिट गुण वाले द्रव्य को, इनके अपोजिट गुणों वाले आहारों को लिया, ओके। तो देश के अकॉर्डिंग विरुद्ध नहीं है, देश के अकॉर्डिंग ये सेम है, लेकिन हमारे बॉडी के अगेंस्ट है, ओके। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज देश विरुद्ध, ओके। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ विरुद्ध आहार का वो क्या है, काल विरुद्ध, ओके। तो काल विरुद्ध मतलब यहाँ पे आपको मतलब बताई दे रहा है कि काला मतलब होता है सीजन, ओके, सीजन। तो जैसे कि समर वेकेशन मैंने भी बताया कि ग्रीष्म ऋतु जो एक सीजन होती है, ग्रीष्म ऋतु, विंटर सीजन, और हमारा जो नॉर्मली जो रहता है, ओके। तो ऐसे तीन ऋतु जो हमारे बताए गए हैं अपने एक ईयर में, ओके। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि विंटर सीज़न ले लिया, फिर समर सीज़न ले लें, तो विंटर सीज़न हमने अगर ले लिया तो उसमें होता है क्या कि शीतल एक जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि उस ऋतु में हमें शीत आहार विहार नहीं करना चाहिए, उस ऋतु में हमें आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, उस सीज़न में, उस ऋतु में हमें क्या करना चाहिए, हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर जो फूड्स होते हैं ये सभी नहीं खाना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में फूड को नहीं रखना चाहिए, तो रखना तो चाहिए उसको प्रिजर्वेटिव करने के लिए, लेकिन ज़्यादा कूल सब्सटेंस को हमें ड्रिंक आउट नहीं करना चाहिए, ओके। ये मेरे कहने का यहाँ पे मोटिव है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि ये काल के अकॉर्डिंग शीत ऋतु चल रही है, शीत सीज़न चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ये सब फूड नहीं लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऋतु, अकॉर्डिंग टू काल, वहाँ पे क्या है वो उसके लिए फेवरेबल, लेकिन हमारे बॉडी के लिए वो फेवरेबल नहीं है, बॉडी के लिए वो सुचेबल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ काल विरुद्ध, ओके। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन लर्न दिस, ओके, यू कैन रीड आउट दिस लाइन्स, ओके। तो वहाँ इस लाइन में वही सब लिखा हुआ है, ओके। तो इफ सीजन इज समर टाइम, तो कंडीशन यहाँ पे क्या रहती है, उष्ण तीक्ष्ण बढ़ा हुआ रहता है, ओके, और रुक्ष गुण यहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है। तो ड्यू टू दैट यहाँ पे क्या होता है कि समर सीजन में क्या होता है कि वहाँ पे सन के रेस प्रोपोगेट होते हैं, ओके, सन के रेस हमारे धरती पर पड़ते हैं, तो ड्यू टू दैट जो उसके वजह से जो एक टेम्परेचर
और जो इन्वायरमेंट जो हो जाता है, जो फ्लो ऑफ एयर जो उस समय जो हो जाती है उस सीज़न में, तो क्या होता है उष्ण तीक्ष्ण ऐसे भी रहते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे बताया गया कि रसात्मक मेडिसिन और आहार अगर हम ये सभी के अकॉर्डिंग लेते हैं, ऋतु के अकॉर्डिंग, तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग विथ आवर सीजन, बट इट इज़ रॉन्ग विथ आवर बॉडी। ओके, तो इट्स विरुद्ध टू आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज़ काल विरुद्ध, यानी कि काल के अपोजिट हमें आहार को चूस आउट करना है। काल के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं अपोजिट, जैसा अगर काल के अकॉर्डिंग सॉरी काल के जैसे अकॉर्डिंग बताया हुआ अगर हम आहार लेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काल विरुद्ध आहार बोलते हैं। ओके, और ऐसा दूसरा भी यहाँ पे एग्जांपल ये कि रात के समय दूध सॉरी दही नहीं लेना चाहिए, तो अगेन रात बताया गया। तो रात किस लिए बताया, क्योंकि रात में जो होता है कफ हमारा बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि कफ जो बॉडी के अंदर जो त्रिदोष जो बताए गए उनमें से कफ रात में बढ़ा हुआ रहता है। कफ का जो बढ़ने का जो टाइमिंग होता है वो रात का समय है, यानी कि नाइट टाइम में कफ उत्क्लेश यानी कि कफ बढ़ा हुआ रहता है। ड्यू टू दैट जो हम दधि अगर लेते हैं तो दधि की वजह से भी क्या होता है, हमारे कफ बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वहाँ पे दोषों को उत्क्लेशन हो रहा है, जो कि हम क्या बोलते हैं, विरुद्ध आहार बोलते हैं। ओके, इसीलिए कर्ट्स अगर हम लेते हैं नाइट टाइम में, तो ये भी अ टाइप ऑफ काल विरुद्ध के अकॉर्डिंग आया हुआ। ओके, नाइट टाइम में एक काल है, ओके, जहाँ पे दोष बढ़े हुए, जहाँ पे दोषों का एक स्पेसिफिक टाइम है, और उस स्पेसिफिक टाइम में अगर हम उन्हीं दोष को बढ़ाने वाले अगर द्रव्य लेते हैं तो वो उस दोष को बढ़ा सकते हैं। ओके, जो कि ये टाइप ऑफ विरुद्ध वहाँ पे हम कह सकते हैं। ओके, हमारे जो थर्ड जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन है विरुद्ध आहार का, अग्नि विरुद्ध है। अग्नि विरुद्ध मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे कि आयुर्वेद बोलता है, आयुर्वेद सेज दैट वी हैव थ्री काइंड ऑफ अग्नि, दैट इज कॉल्ड मृदु, मध्य और तीक्ष्ण अग्नि। ओके, तो नॉट तीक्ष्ण, नॉट तो ऐसे तीक्ष्ण अग्नि हमारे पास रहता है जो कि पित्त प्रकृति का रहता है, और विषम अग्नि रहती है। ओके, और अपना मिडल में नॉट, तो अपना जो लास्ट जो अग्नि होती है वो मृदु अग्नि होती है। ओके, तो तीक्ष्ण अग्नि, विषम अग्नि और मृदु अग्नि, ऐसे तीन टाइप के, और चौथा जो हमारे था तो सम अग्नि आता है। ओके, तो यू कैन रीड आउट दिस, यहाँ पे आप रीड आउट करके देख सकते हो कि चार टाइप के हमारे पे अग्नि बताई गई है, जिनमें से अगर हम एग्जांपल लें तो तीक्ष्ण अग्नि का अगर एग्जांपल लें तो तीक्ष्ण अग्नि में क्या होता है कि पित्त प्रकृति की तीक्ष्ण अग्नि होती है, और तीक्ष्ण अग्नि की वजह से होता है कि जितना भी हम फूड लें, जितना भी गुरु आहार लें, जितना भी हम भोजन लें, वो सभी क्या होता है, डाइजेस्ट होते हैं। तो ये तीक्ष्ण अग्नि की बात हुई। अगर हम विषम अग्नि की बात करें तो विषम अग्नि में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि कभी फूड डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कभी क्या होता है कम रहता है। ओके, तो अगर हम तीसरे वाले टाइप्स की बात करें तो मृदु अग्नि की होती है। तो मृदु अग्नि में क्या होता है कि वहाँ पे हमारा जो वे ऑफ जो भोजन की जो कैपेसिटी जो डाइजेशन करने का जो पैटर्न होता है वो कम रहता है। और अगर हम मंदाग्नि कंडीशन है या फिर मृदु अग्नि है, जैसे जो कफ वाले की जो अग्नि रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, मंदाग्नि बोलते हैं। ओके, तो उन मंदाग्नि के पेशेंट को जिनके अग्नि यानी कि जिनका जो डाइजेस्टिव फायर है, उनके जिनके भोजन पचाने की जो कैपेसिटी है वो कम है, और उसके बावजूद हम हैवी फूड दे रहे हैं उनको, यानी पचाने में जो पावरफुल हैं, जो पचा नहीं सकते वो फूड अगर हम देंगे तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे उनकी अग्नि हैम्पर हो जाती है। जो पचा भी सकते थे अब वो नहीं पचा पाएंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यानी कि अग्नि विरुद्ध आपको आहार नहीं लेना चाहिए, वो ऐसे इंक्लूडिंग दैट इज कॉल्ड एज अग्नि विरुद्ध आहार। ओके, फोर्थ जो टाइप होता है मात्रा विरुद्ध। ओके, तो मात्रा विरुद्ध अकॉर्डिंग बताया गया कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया कि मात्रा के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो मात्रा के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए मतलब जितना अग्नि है उतना हमें मात्रा लेना चाहिए, ये तो एक है। ये तो ऑलरेडी जो मैं अगर मैं मात्रा रिलेट करूँ अग्नि से, यानी कि जितना अग्नि के रिक्वायरमेंट है, जितना अग्नि है हमारे पास, जितनी कैपेसिटी है डाइजेशन करने के लिए, उतनी ही फूड लो, उतनी मात्रा लो, तो मात्रा विरुद्ध वो नहीं कहलाएगा। मतलब हमारे पास डाइजेशन करने की कैपेसिटी कम है और हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो क्या होगा, इंक्लूडिंग होगा मात्रा विरुद्ध आहार। ओके, तो ये एक वे ऑफ इसका पैटर्न समझाने का तरीका हो गया। और दूसरा जो पैटर्न तरीका है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन, यानी कि जैसे कि ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो हनी होता है और जो शहद होते हैं, इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं मिलाना चाहिए। ओके, इक्वल प्रोपोर्शन में अगर मिलाएंगे तो ये क्या होता है कि ऐसे वो विष बन जाते हैं। ओके, वो दोषों को बढ़ाते हैं, दैट्स वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन द मात्रा विरुद्ध। ओके, तो मात्रा यहाँ पे मात्रा रिलेट किया, मात्रा यहाँ पे मेन रोल प्ले किया कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ हनी एंड घृत वी हैव टू नॉट मिक्स विथ इट ईच अदर। ओके,
तो हनी और घृत को मिक्स नहीं करना है, तो दैट इज मे इंक्लूड इन द मात्रा विरुद्ध आहार। ओके, तो दोष विरुद्ध यहाँ पे अभी आप सोचेंगे कि मैं भी दोषों का उत्क्लेशन बता रहा हूँ, मैं विरुद्ध आहार में दोषों को बढ़ना बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्यों दोष विरुद्ध बता रहा हूँ, तो दोष विरुद्ध मतलब ये आता है कि जैसे कि दोषों के भी अलग अलग गुण होते हैं, वात के गुण हैं, रुक्ष शीत गुण, वहाँ पे विषद गुण है, पित्त के अलग गुण है, उष्ण तीक्ष्ण गुण, वहाँ पे द्रव्य गुण है, सर गुण है, कफ के भी अलग गुण है, स्निग्ध गुण, पिच्छल गुण। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई फूड ले रहे हैं जो कि अपोजिट, यानी कि जो दोष हैं, ओके, जो दोषों का प्रिडोमिनेंस है, उन दोषों के अगेंस्ट ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोष विरुद्ध बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से दोष और भी बढ़ सकते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आहार विच इज हैज़ अपोजिट प्रॉपर्टी एंड गुण ऑफ दोष ऑफ द बॉडी। ओके, तो वही बताएगा कि प्रॉपर्टीज और जो गुण हैं दोष के, उनके अपोजिट अगर हम लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोष विरुद्ध बोलते हैं। और इनकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा जो दोष है वो नॉर्मल जो दोष रहते हैं वो बढ़ सकते हैं, उनमें उत्क्लेशन आ सकता है। ओके, जो कि बॉडी से नहीं निकल सकता। फर्दर जो वे ऑफ एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो सात्म विरुद्ध है, यानी कि सात्म विरुद्ध ऐसा हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली हमारा जो पहले रेगुलर था, रेगुलर एक्टिविटी जिसे हम पहले लेते थे, आज वो हमारे लिए नुकसानदायक हो गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि आजन्म सात्माद कुरते धातु नाम प्रबलम बलम। ओके, तो मधुर रस एक ऐसा रस होता है जो कि आजन्म सात्माद, यानी कि जब से एक चाइल्ड बॉर्न होता है तब से वो रस जो होता है हमारे लिए रेगुलर हैबिट बन जाती है उसकी। जैसे कि जब हम लैक्टेशन पीरियड में जब मदर आती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से जो चाइल्ड होता है वो अपने मदर का मिल्क को सोक करके और पीता है। ओके, तो वहाँ को उसको ड्रिंक करता है। तो कहने का मतलब है कि वो जो मिल्क था स्टार्टिंग ऑफ बर्थ, जो उसने जो चाइल्ड ने जो लिया वो क्या था, मधुर रस था। ओके, तो लेकिन बचपन में उसने, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ देयर लाइफ ही स्टार्टेड विद देयर मधुर रस, लेकिन मधुर रस ऐसा नहीं है कि कभी फ्यूचर में जाकर उसको कफ नहीं बढ़ाएगा। मधुर रस तो कफ बढ़ाता है, शक्कर आप अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो कफ को बढ़ाता है। ओके, मीठे सामान ज़्यादा खाएंगे तो कफ को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मधुर रस जो था, जो बचपन में उसके लिए साथ में था, बचपन में उसके लिए क्या था, रेगुलर हैबिट था, लेकिन अभी वो क्या हो गया, वो अभी दोषों को बढ़ा रहा है। ओके, तो सात्म मीन्स रेगुलर हैबिट ऑफ एनीथिंग एंड लाइक एवरीडे एक्टिविटी व्हाट पर्सन ईट्स एंड व्हेन इट ईट्स, तो ये सभी एक्टिविटी में उसको हम क्या बोलते हैं, सात्म विरुद्ध, सात्म बोलते हैं। ओके, तो पहले जो वो एक्टिविटी जो वो खाता था और कब वो खाता था, अगर वो उसके अपोजिट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सात्म विरुद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेस्ट एग्जांपल लिया है कि सच्चाई अगर कोई कफ प्रकृति का पर्सन है या फिर वात प्रकृति का पर्सन है, जो उसको बोला गया है अगर वो फूड नहीं लेता है, उसके अपोजिट फूड लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सात्म विरुद्ध बोलते हैं। मतलब उसके लिए जो अच्छा था वो नहीं ले रहा है, वो उसके लिए जो अच्छा है वो नहीं ले रहा है, उसके अपोजिट ही कुछ ले रहा है। ओके, तो सात्म विरुद्ध का इसका दूसरा मीनिंग भी ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने फर्स्ट मीनिंग बताया कि बचपन से उसकी सात्मता थी मिल्क लेने की। ओके, वो मधुर रस को लेता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो मधुर रस जो है अभी उसको कफ बढ़ाता है, उसको दोषों को बढ़ाता है। ओके, तो ये फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन है। ओके, फर्स्ट तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि तीन टाइप के जो प्रकृति आते हैं, वात पित्त कफ, ऐसे तो सात टाइप के रहते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पास अगर एकल प्रकृति की बात करें तो वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति। तो वातज प्रकृति को जो आहार विहार बोला गया है, वो बोला गया है अब ऑयली फूड खाओ, आप बाहर कम घूमो। ओके, उनका जो विहार है वो बाहर कम घूमना है, उनका जो फूड है वो एक पैटर्न तरीके में खाने बोला गया। ओके, तो ये सभी वात प्रकृति के पर्सन के लिए गुड है, ये सभी उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो स्निग्ध आहार विहार नहीं खाते हैं, वो ऑयली फूड नहीं खाते हैं, वो अभी भी रुक्ष आहार विहार खा रहे हैं, वो अभी भी वहाँ पे मतलब रुक्ष आहार विहार खा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके जो प्रकृति के अकॉर्डिंग जो था वो अपोजिट कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं सात्म विरुद्ध है जो। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है कफ प्रकृति के लिए कटु चित्त कषाय, ये सभी ठीक है, बेस्ट है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर वो अम्ल रस
मधुर रस ये सभी ले रहा है तो क्या हो रहा है, इट कैन बी विरुद्ध, दैट इज़ नॉट फेवरेबल टू दैट पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज अ सात्म विरुद्ध, इट इज इंक्लूडेड इन द सात्म विरुद्ध। ओके, नेक्स्ट जो विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है वो है हमारा संस्कार विरुद्ध। ओके, तो संस्कार विरुद्ध में ये है, संस्कार का मतलब होता है संस्कार ही नाम गुणांतर धानम उच्यते। तो संस्कार हम उसे बोलते हैं जिसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मतलब जो भी एक ऐसा तरीका होता है, हम अग्नि संस्कार हो गया, मतलब दूध हमारा अगर कोई दूध है और दूध को हमने उबाल लिया, यानी कि दूध को हमने अग्नि से, यानी कि एक फ्लेम मतलब यू नो दैट वहाँ पे हमने गैस स्टोव में रखकर उसको अगर हमने उबाल लिया तो क्या हो रहा है कि जो हमने कच्चा दूध लाया था अभी थोड़ा हमने उसको क्या किया है, उबाल लिया, तो ये लघुता उसमें डेवलप हो गई है, उनके प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो गए हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। तो संस्कारों ही नाम गुरांत धानम उचित है। चावल जो होता है कच्चा चावल वो थोड़ा गुरु होता है, हेवी टू डाइजेस्ट होता है, लेकिन अगर हमारा अगर उसको हम पकाते हैं, उसको हम अग्नि संस्कार देते हैं तो क्या होता है, वो लघु होता है, लघु हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अग्नि संस्कार दो, जल संस्कार दो। ओके, तो ये सभी से क्या होता है, हमारा भोजन जो होता है, हमारा जो फूड होता है वो पैलेटेबल टू और वहाँ पे डाइजेशन करने के लिए वो हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन ऐसे कुछ संस्कार बताए गए हैं, ऐसा जो संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी कि वो तो संस्कार करने से उनकी प्रॉपर्टीज में तो चेंजेस आती है, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। क्यों? संस्कार विरुद्ध उसी को बोलते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। सच एज अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि दही होता है, मैंने बताया अभी, दूध को जो होता है गर्म करके नहीं लेना चाहिए, सॉरी दूध को हमें गर्म करके लेना चाहिए क्योंकि उनमें लघुता आ जाती है। लेकिन अगर मैं दही बोलूं कि आप गर्म करके लो तो वो विष द्रव्य बन जाते हैं, यानी कि दही यानी कि दही कभी उसको गर्म नहीं करना चाहिए, कभी उसको अग्नि संस्कार नहीं देना चाहिए। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि संस्कार विरुद्ध में संस्कार जो बताया गया है, जल के साथ मिलाओ तो इनके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ जाता है, अग्नि से मिलाओ इनके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ जाता है, तो ये सभी नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो वो संस्कार विरुद्ध के अंतर्गत आ सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संस्कार विरुद्ध बोलते हैं। ओके, एज संस्कार इज गुड, इट चेंजेस प्रॉपर्टीज ऑफ द्रव्य, बट देर आर सम संस्कार विच इज़ नॉट गुड। ओके, तो दैट इज मैंने भी एग्जाम्पल बताया आपको, दधी को गर्म करके हमें अगर लेते हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, इंस्टीड इट इज़ इट चेंजेस देयर प्रॉपर्टी, वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है कि दधी जो था वो गुरु था, उनमें भले लघुता आ जाती है लेकिन वो अभी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो नेक्स्ट विरुद्ध है हमारा वीर विरुद्ध है, सम विषम विरुद्ध इसको बोलते हैं, वीर विरुद्ध भी इसी को बोलते हैं, मतलब अगर हम उष्ण वीर्य और शीत वीर्य दोनों को एक साथ मिला दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीर विरुद्ध बोलते हैं। मतलब एक बेस्ट एग्जांपल आता है कि अगर आपने मछली खाया है, मतलब फिश अगर आपने खाया है नाइट में डे में कभी भी खाया है, तो फिश जो होती है वो उष्ण वीर्य कि वो अपनी वहाँ पे वो फिश होती है। ओके, अपना जो जो फूड जो हमने आहार बनाया है वो हमारा उष्ण वीरात्मक, यानी कि फिश हमारा उष्ण वीरात्मक है। अगर हम मछली खाने के बाद अगर हम दूध पीते हैं, ग्लास ऑफ हम मिल्क पीते हैं, तो जो मिल्क होती है, जो हमारा जो दूध होता है, जो क्षीर होता है, वो शीत वीर होता है। तो मिक्सिंग ऑफ उष्ण वीर्य एंड शीत वीर्य मे कॉज दैट मे टर्म एज वीर विरुद्ध। ओके, तो इट मे एग्रीवेट, इट मे हैम्पर्स अवर दोषा, इट मे एग्रीवेट्स अवर दोषा, दैट इज कॉल्ड एज उत्क्लेशन ऑफ दोषा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वीर विरुद्ध। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा था कॉम्बिनेशन ऑफ शीत वीर्य विथ उष्ण वीर्य द्रव्य और वाइस वर्षा, उष्ण या फिर शीत वीर्य। ओके, दोनों को हम क्या बोलते हैं, उष्ण वीर्य विरुद्ध बोलते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया है मिल्क एंड फिश। ओके, जो नेक्स्ट विरुद्ध हमारा आता है वो कोष्ठ विरुद्ध आता है। कोष्ठ विरुद्ध मतलब नॉर्मली तीन टाइप के कोष्ठ रहते हैं। कोष्ठ मतलब होता है फिशेस, जिसे हम मल बोलते हैं। ओके, तो क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्य कोष्ठ। तो क्रूर कोष्ठ ये बंदा कैसा है, क्रूर कोष्ठ मतलब जिसके फीसेस, जिसके मल जो होते हैं टाइट होते हैं, निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मृदु मतलब होता है जो पित्त वहाँ पे जो अपने जो कफ के जो आते हैं, यानी कि उनके थोड़ा सा जो फीसेस निकलता है, उनका जो मल निकलता है उसमें स्निग्धता रहती है, और कोई वहाँ पे उनको ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, उसको डी या फिर इवैक्यूएशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे ऊर्जा लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि उनके स्टूल में स्निग्धता रहती है और उनका जो हार्ट स्टूल नहीं रहता है। ओके, तो क्रूर मृदु मध्य तीन टाइप के से कोष्ठ रहते हैं। ओके, तो हियर कोष्ठ मीन्स पुरुष एंड दैट
कोस्ट डेवलप एज वॉट यू ईट। ओके, तो अगर हम क्रूर कोस्ट वाले अगर हम बंदे हैं या फिर वात प्रकृति वाले बंदे हैं जिनका क्रूर कोस्ट आता है, जिनकी जो फीसेस होती है वो हार्ड रहते हैं, ओके, उनके निकलने में प्रॉब्लम आती है, और हमने अगर ऐसा फूड ले लिया है जो कि लूज मोशन करवा रहा है, तो वो फूड हमारे लिए विरुद्ध आहार कहलाएगा, और ड्यू टू दैट प्रोड्यूसिंग द लूज मोशन, उस आहार को हम क्या बोलेंगे, कोष्ठ विरुद्ध आहार बोलेंगे। ओके, क्योंकि उसने विशेटेड तो कर दिया दोष को तो उत्क्लेशन कर दिया, लेकिन वो जो था कोष्ठ जो हमारा था, जो हमारा जो फीसेज जो डेवलप हो रहा था, उसको उसने चेंज कर दिया, उसने उसको बदला कर दिया। ओके, दैट्स वाई टर्म एज द कोष्ठ विरुद्ध। पहले हमारा कोष्ठ, हमारा जो फीसेज जो मल था वो हमारा पतले मैनर में नहीं आ रहा था, लूज मोशन में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनमें बदलाव आ गया है, तो ड्यू टू दैट उसको हम क्या बोलते हैं, कोष्ठ विरुद्ध बोलते हैं। तो कोष्ठ डेवलप व्हाट वी ईट। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग कोष्ठ विरुद्ध हमारा उसको हम बोलते हैं। ओके, जो वहाँ पर नेक्स्ट जो आता है अवस्था विरुद्ध। अवस्था विरुद्ध मतलब ये रहता है कि बिफोर एक्सप्लेनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ आप बाद में इसको रीड आउट कर दो कि क्या लिखा हुआ है उसमें। तो अवस्था विरुद्ध हम इसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत काम करते हैं, जैसे कि हमारे जो लेबर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो बहुत ही काम करते हैं, वो दिन भर एक हार्ड मेटल्स को उठाते हैं, ओके, अपने ऊपर बहुत ही कंधे पे बहुत ही वजन वजन को उठा के क्या करते हैं वो, या फिर बहुत लोग होते हैं कि बहुत लंबा लंबा मतलब उनका जो वे तरीका जो होता है काम करने का वो बहुत ही उनको चलना पड़ता है उसमें। तो ये सभी जो लोग रहते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। ओके, तो हार्ड वर्क करने वाले जितने भी लोग रहते हैं उनमें वात का, यानी कि ऐसा बोलते हैं कि वात जो रहता है वो विशेटेड रहता है, यानी कि वात दोष वहाँ पे हैम्पर हुआ रहता है। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना रहता है, वहाँ पे हमें वात शामक द्रव्य देना रहता है, मतलब उनको हमें आराम देना रहता है। ओके, तो बहुत चलते हैं, बहुत काम करते हैं, तो उनको जो बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रहती है उनको बोलते हैं हम बेड रेस्ट कर दो, बेड रेस्ट कर लो थोड़ी देर, आपको आराम मिल जाएगी, आप क्या करो शीत पे आहार विहार खाओ। ओके, तो शीत पे आहार विहार जो था इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको तर्पण मिलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हम इसको नहीं दे सकते क्योंकि वात का प्रकोप हुआ है, और वात का प्रकोप जो होता है वो शीत गुण उनमें रहता है, वात दोष का जो गुण होता है वो शीत गुण रहता है उसमें। ओके, तो वात प्रकोप की वजह से क्या हो रहा है, आप यहाँ पे तब तक रीड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने कफ प्रकोप बताया। ओके, तो कफ, तो जैसे मैंने बताया वात प्रकोपक आहार विहार जो ज़्यादा काम करते हैं उनको नहीं देना चाहिए। ओके, उनको अभी जैसे कि वो थके हुए घर में आए और उनको हमने क्या किया, रुक्ष आहार दे दिया। ओके, उनको हमने क्या कर दिया, कशेला सामान दे दिया, उनको हमने बोला कटु ले लो, आप तीखे सामान खाओ, बिटर टेस्ट वाले द्रव्य खाओ। तो इससे वजह से होता है क्या कि उनके जो विशेटेड जो वात दोष थे वो और बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये अवस्था विरुद्ध है, यानी कि जिस कंडीशन में थे वो, जिस कंडीशन में वहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो दोष जो बढ़ा हुआ था उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दोष बढ़े हुए थे, अभी हम ऐसा फूड ले रहे हैं वो दोष और बढ़ जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवस्था विरुद्ध आहार बोलते हैं। ओके, तो गिविंग कफ प्रकोपक आहार वी आर टू ओवर स्लिम पर्सन। ओके, तो ज़्यादा सोने से कफ दुष्ट जाती है और कफ प्रकोप बढ़ जाता है, यानी कि कफ बढ़ जाता है। तो और उसके साथ साथ हम क्या बोल रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कफ प्रकोपक आहार विहार दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, स्निग्ध आहार दे रहे हैं, मतलब ऑयली फूड दे रहे हैं उसको, पिछले फूड दे रहे हैं। ओके, तो ये सभी फूड क्या करेगा, कफ को और बढ़ाएगा, जो कि अवस्था के अकॉर्डिंग नहीं है। जो बंदा सो रहा है, ज़्यादा सो रहा है, कफ बढ़ा हुआ है, तो इसको कफ ना बढ़ाने के साथ साथ इसको वात प्रकोपक आहार विहार दो। ओके, तो जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जांपल मैंने जो बताया आपको कि वात प्रकोपक आहार विहार टू वन हु इलज विद व्यायाम हार्ड वर्क, तो इन सभी में आपको क्या करना है, अवस्था विरुद्ध के अकॉर्डिंग आपको उनकी अकॉर्डिंग के साथ साथ वो फूड देना है। अगर आप नहीं दोगे तो आस विरुद्ध वहाँ पे इंक्लूड होगा। जो नेक्स्ट हमारा जो विरुद्ध आता है, कर्म विरुद्ध आता है। ओके, कर्म विरुद्ध में वही बताया गया कि नॉट ओबेइंग, यानी कि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं हाइजीनिक मेंटेनेंस की एक्टिविटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि कर्म विरुद्ध है। कर्म विरुद्ध मतलब जैसे कि हमें किसी भी फूड को, हमें जब आहार जब हम जब खाते हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, तरीका होता है कि हमें एक पर्टिकुलर मूवमेंट में बैठ के खाना चाहिए, और बिफोर हमें खाने से पहले क्या करना चाहिए, हमें सभी अर्जेस को निकाल कर आना चाहिए, मतलब मूत्र को निकाल के आना चाहिए, फीसेस हमारे जो मल है बॉडी से वो निकले हुए होने चाहिए। तो अर्जेस जितने होती हैं बॉडी में उन सभी अर्जेस को हमें फुलफिल करके ही
आहार लेना चाहिए, ऐसा बोला गया है, ऐसा हाइजीनिक कंडीशन में बताया गया है, एक्टिविटी में बताया गया है। तो ये सभी अगर हम करते हैं तो हमारे जो कंडीशन होती है बैलेंस स्टेट हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बिना आरजेस को निकाले हुए भोजन कर रहे हैं, अगर हमें मूत्र वेग आया हुआ है और स्टिल वी आर गोइंग टू ईट समथिंग, वी आर गोइंग टू फॉर मील, ओके, तो उस चीज़ से होता है कि उस फूड को हम क्या बोलते हैं, कर्म विरुद्ध आहार बोलते हैं, ओके। हमारा जो नेक्स्ट विरुद्ध आता है परिहार विरुद्ध आता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद ये फूड नहीं खाना चाहिए, तो अगर हम उस फूड को लेते तो हम उसको क्या बोलते हैं, परिहार विरुद्ध आहार बोलते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि खाना खाने के बाद जो हम बनाना लेते हैं, बनाने लेने के बाद कुछ बोलते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, ओके, तो ये परिहार है, ये एक्टिविटी है, ये नहीं करना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, परिहार विरुद्ध बोलते हैं, ओके। तो ईटिंग बनाना आफ्टर मील एंड फॉलोड बाय वाटर विच इज़ अपथ्य, जो कि अच्छा नहीं है, ओके। देन इसका नेक्स्ट विरुद्ध आता है उपचार विरुद्ध, ओके। तो उपचार विरुद्ध मतलब वही आता है कि जो ट्रीटमेंट के टाइम, जो हमें ठीक करते समय जो बताया जाता है, हम अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि प्रिस्क्राइब करते समय कि ये दवा आपको दूध के साथ लेना है, ये दवा आपको पानी के साथ लेना है, ये दवा आपको किसी और के साथ लेना है, ओके, ये दवा आपको किसी जूस के साथ लेना है, ये दवा आपको किसी क्वात के साथ लेना है, ओके, ये दवा आपको चाट के खाना है। तो अगर हम ऐसे में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये सभी इंक्लूड हो सकता है उपचार विरुद्ध आहार, ओके। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वॉट एवर हैज टू बी फॉलो बट नॉट डूइंग दैट, दैट इज कॉल्ड एज उपचार विरुद्ध, ओके। नेक्स्ट जो विरुद्ध आता है पाक विरुद्ध आता है। तो पाक विरुद्ध मतलब किसी भी चीज़ को पकाना, तो यहाँ पे नेम से ही सजेस्ट हो रहा है पाक विरुद्ध, यानी कि पकाना या फिर वहाँ पे किसी भी चीज़ को राइप करना, ओके। तो वेसल्स और इंटेंसिटी ऑफ हीट टू एनी अनराइपन मटेरियल इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपर, दैट इज़ कॉल्ड एज पाक विरुद्ध आहार, यानी कि चावल जो है, अगर चावल को हम ओवर राइप करते तो वो जल जाता है, तो जला हुआ चावल हमें नहीं खाना चाहिए। या फिर हमें एक वेसल्स की यहाँ पे तुलना की गई है, वेसल्स, ओके। तो वेसल्स मैंने इसलिए बताया कि कुछ लोग, कुछ ऐसा होता है कि पाक विरुद्ध मतलब जैसे कि नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं और वेजिटेरियन जो होते हैं, तो वेजिटेरियंस जो वेसल्स होते हैं जिनमें वो चावल बना हुआ है, अगर वो चावल हम वेज, जो वेज रहते, जो वेजिटेरियन रहते हैं, अगर हम उनका चावल उसमें बनाएंगे, तो वो अगर उनको मालूम चला कि वो उसमें नॉन वेज वाले जो नॉन वेज खाते हैं उनके वेसल्स में ये इनका चावल बना हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि उनके दोष, उनके जो दोष रहते हैं वो उत्क्लेश हो जाते हैं, उनके दोषों में वृद्धि हो जाती है, ओके। तो अ टाइप ऑफ विरुद्ध इट मे बी दैट इज कॉल्ड एज अ पाक विरुद्ध आहार, ओके। तो ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ हीट, जो हमारा जो चावल जल गया, या फिर कम इंटेंसिटी की वजह से चावल जो था वो राइप नहीं हुआ है, तो अनराइपन और ओवर राइपन ये दोनों हमारे लिए अनवांटेड है, अनबेनिफिशियल है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ पाक विरुद्ध आहार। जो नेक्स्ट विरुद्ध है संयोग विरुद्ध, यानी कि कॉम्बिनेशन मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस सच एज, ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में सेडेंट्री लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम क्या करते हैं, हमारे जो ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग का, हम मिल्क लेते हैं और मिल्क में मिलाकर बनाना को मिलाकर मिल्क के साथ लेते हैं, जो कि मिक्सिंग ऑफ मिल्क विथ अम्ल रस द्रव्य, मिक्सिंग ऑफ मिल्क विथ फ्रूट्स, इट मे बी टर्म एज द संयोग विरुद्ध, ओके। तो मिक्सिंग ऑफ अम्ल रस फूड, जितने भी अम्ल रस फूड, जितने भी आप टेस्टिंग अगर करोगे, ओके, तो फिल्टर पेपर या फिर आप वहाँ पे जो पेपर आता है, ओके, लिटमस पेपर जो भी रहता है, अगर आप उस पर टेस्ट करोगे तो जितने भी फूड्स, जितने भी आहार, जितने भी ये अपने फ्रूट्स रहते हैं वो सभी क्या होते हैं, अम्ल रस के होते हैं। तो अगर आप केला ले रहे हो दूध के साथ तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इट मे बी अ टाइप ऑफ विरुद्ध आहार, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज संयोग विरुद्ध आहार। तो ओके, आप कंबाइन मैने में आप संयोग करके खा रहे हो, मिक्सिंग करके खा रहे हो, तो इट मे बी टर्म एज अ संयोग विरुद्ध आहार, ओके। हमारे जो नेक्स्ट विरुद्ध आता है संपद विरुद्ध, तो टोटल 18 टाइप हैं, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो नेक्स्ट विरुद्ध आ रहा था हमारा संपद विरुद्ध आ रहा था, जिसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड फ्रूट, ओके। तो जैसे कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें सड़न पैदा हो जाती है, जो फ्रूट्स होते हैं जो सड़ जाते हैं, ओके, ख़राब हो जाते हैं, तो अगर वो फ्रूट हम लेते हैं जिनमें रस भी परिवर्तन हो जाता है, तो ओके, जो आम जो पहले पका हुआ रस था, मीठा रस था, लेकिन अगर वो ख़राब हो जाता है, अगर उनमें सड़न आ जाती है, तो खट्टे हो जाते हैं। तो अगर खट्टे हुए जो हमारा जो पका हुआ जो फ्रूट था, अगर वो टर्न्स टू अम्ल रस, और अगर वो अम्ल रस अगर हम लेते हैं, तो दैट इज़ टर्म एज द संपद विरुद्ध, ओके, ओके, दैट इज़ कॉल्ड नॉट सुचेबल टू इट, दैट इज़
टर्म एज द इन्फेक्टेड फ्रूट। ओके, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है इन्फेक्टेड फ्रूट। जो नेक्स्ट विरोध आता है हृदय विरुद्ध, यानी कि हमें हृदय के लिए, यानी कि हर्ट हमारा इग्नोर कर रहा है कि ये फ्रूट मत लो, लेकिन फिर भी हम वो फ्रूट लेते हैं ज़बरदस्ती टू इम्प्रेस समवन और किसी को दिखाने के लिए। तो ये सभी फ्रूट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, अल्टीमेटली वो वोमिटिंग कराता है, नोजिया कराता है, ये सभी वहाँ पे वो तरीका करवाता है। ओके, तो आहार विच इज़ नॉट लाइक बाय आवर ओन हर्ट। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि नॉनवेज अगर हम नहीं खाते हैं और हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए अगर हम नॉनवेज खाने लगे, ओके, तो इट मे बी टर्म एज द हृदय विरुद्ध। ओके, हमारा जो नेक्स्ट विरुद्ध आता है विधि विरुद्ध बताया गया। ओके, तो विधि विरुद्ध मतलब ये रहता है कि हमें जो पैटर्न जो बताया गया है हमारे जो आयुर्वेद के अंदर जो बताया गया है कि आठ, जैसे कि हमें गर्म भोजन लेना चाहिए, हमें एक भोजन लेते समय बातें नहीं करना चाहिए, ओके, हमें स्निग्ध आहार खाना चाहिए। तो जो अलग अलग उष्णम स्निग्धम जो अलग अलग तरीका बताया कि हमें जो पात्र में भोजन खाना चाहिए वही पात्र लेना चाहिए, इष्ट देशे इष्ट उपकरण हम जहाँ बैठ के खाना है वहाँ खाना चाहिए। ओके, तो ये सभी जो तरीका बताया गया है आहार विधि विधि आयतनम में बताया गया है और अष्ट आहार विधि आयतनम भी बताया गया है, तो ये सभी फॉलो करने से क्या हो रहा है, हमें एक स्टेटेड एक बैलेंस स्टेट ऑफ कंडीशन हमारे बॉडी को मिल सकती है। बैलेंस स्टेट ऑफ हमारा जो मेन आयुर्वेद का जो मेन एम होता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम वो मेंटेन हो सकता है। ओके, तो दैट्स वाई ये सभी हमें तरीका करना चाहिए। विधि विरुद्ध वही बताया गया कि विधि मीन्स वे एंड डिसओबिंग दिस आहार विधि विशेष आयतनम इट टर्म एज द विधि विरुद्ध। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दैट रिगार्डिंग आवर इन दिस क्लास। हमने इस क्लास में डिस्कस किया ऑल 18 टाइप ऑफ आवर विरुद्ध आहार। ओके, जो कि हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो कि हमारे बॉडी के लिए दोषों का उत्क्लेशन करता है और दोषों को उत्क्लेशन करते बाद वो निकालने भी नहीं देता है। ओके, तो न निरहर्ति कायतः, तो ये इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारे जो आयुर्वेद का जो एम होता है वो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण होता है, यानी कि बॉडी का जो बैलेंस स्टेट है वो बनाए रखना, ये फर्स्ट प्राइमरी एम होता है हमारे आयुर्वेद का। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग अवर टुडेज टॉपिक। इन दिस क्लास वी डिस्कस द 18 टाइप ऑफ आहार विरुद्ध आहार एंड सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट द मेजर्स व्हाट द व्याधि कैन बी अराइज इफ वी आर फॉलोइंग इफ वी आर कंटिन्यूसली ईटिंग दैट पर्टिकुलर फूड दैट इज कॉल्ड द विरुद्ध आहार। ओके, तो व्याधि कैन बी अकर ड्यू टू दिस व्याधि विरुद्ध आहार, तो दैट मे बी दैट इनफर्टिलिटी, वहाँ पे नपुंसकता, ओके, जिसे हम क्लाब्धता भी बोलते हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम हमें वहाँ पे आ सकती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, स्पर्म काउंट हमारा कम हो सकता है, स्पर्म की जो शेप होती है साइज होती है ये सभी वहाँ पे हैम्पर कर सकता है, तो इसलिए इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में ये एक मेजर जो वहाँ पे जो कॉसेस होता है इट में भी द कॉज ऑफ विरुद्ध आहार। ओके, तो विरुद्ध आहार लेने से इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम भी आ सकती है, ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन जैसे एक आ सकता है, और आम विष जिसे एंडोटॉक्सिन जो होता है बॉडी में जो आम जो फैला हुआ रहता है बॉडी में सभी स्रोत में जाके वो क्या करता है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वहाँ पे बाधा एक डेवलप करता है, तो इट मे कॉज आम विष ऑल्सो। ग्रहणी रोग जैसे कि नौजिया ओमिटिंग भोजन नहीं पच रहा है प्रॉपर तरीके से, तो दैट इज ऑल जीआईटी प्रॉब्लम इट टर्म एज अ ग्रहणी रोग। ओके, इसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, द ट्रीटमेंट द वाया वमन एंड विरेचन फॉर इरेडिकेट और डिमिनिश द अपकमिंग विकार बाय दिस विरुद्ध आहार। ओके, तो जो भी दोष जो भी वहाँ पे जो डिसीज जो प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के अंदर जो भी उस पर्टिकुलर विरुद्ध आहार की वजह से जो हमारे बॉडी में रोग जो डेवलप हुआ है तो उस रोग को ठीक करने के लिए सुचेबल वमन या फिर विरेचन जो भी सुचेबल है वो करवा लेना चाहिए, इसकी वजह से क्या हो रहा है विरुद्ध आहार के आए हुए जो डिसीज होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कि आपको विरुद्ध आहार रोकना है, आपको बॉडी में विरुद्ध आहार लेने से बचना है, द प्रिवेंटिंग फर्दर सच काइंड ऑफ आहार इन आवर डेली रेजिमिन, आपको इससे बचना है, तो ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है हमारे विरुद्ध आहार को बचने के लिए। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर टुडेस टॉपिक दैट इज कॉल्ड द विरुद्ध आहार। वी डिस्कस अ लॉट हियर रिगार्डिंग आवर विरुद्ध एंड वॉट इज विरुद्ध। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द वियत दोष उत्क्लिश्यम। ओके, तो जो दोष को बढ़ाता है न निरहर्ति कायतः और बॉडी से बाहर भी निकलने नहीं देता है, तो दैट इज आहार जातम, उतने पूरे आहार को हमें क्या बोलना है
विरुद्ध आहार बोल रहे हैं, ओके। तो ये सभी आहार को हमें नहीं लेना चाहिए अपने डेली लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में, ओके। थैंक यू।